ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वयम पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिर्लिंग के इतिहास की श्रृंखला में वयम के पिछले वीडियो में हमने आपको श्री परली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह बताया। आज हम आपको भगवान शंकर के 10वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताएंगे। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुकावने नागेशम कहा गया है। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। पार्वती जी के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख देता और यज्ञ तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था जो चारों ओर से सर्व समृद्धिपूर्ण था। दारुका राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास के निमित्त वहां नित्य विचरण करती थी। देवी पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छानुसार वहाँ जाया करती थी। वे दोनों मिलकर वहाँ के निवासियों को प्रताड़ित करते और आनंदित होते। उससे पीड़ित हुए वहाँ के निवासी महर्षि औरव की शरण में गए और कहा, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए, अन्यथा ये दुष्ट हम लोगों को मार डालेंगे। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर महर्षि औरव ने क्रोधित होकर कहा कि इस वन में जब भी कोई अधर्म का कार्य करेगा उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद देवगण शाप का कारण जानकर राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उन्हें देखकर उस वन में जो भी राक्षस निवास कर रहे थे वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे, अब हम लोग क्या करें, कहां जाएं? यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मारे जाएंगे और यदि युद्ध न करें तो भी मारे जाएंगे। यदि हम ऐसे ही रहे तो क्या भोजन करेंगे, हमारे इस दुख को कौन दूर करेगा। तब दारुका राक्षसी इस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ जानक र पार्वती जी के उस वरदान के विषय में कहने लगी, मैंने पूर्व काल में माँ भवानी की आराधना की थी, तब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। जब मैंने ऐसा वरदान प्राप्त किया है तब तुम लोग दुख क्यों सह रहे हो। इस वन को जल के भीतर ले जाकर वहाँ पर सभी राक्षस सुखपूर्वक रह सकते हैं। तब दारुका का यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे और निडर हो आपस में कहने लगे, आप धन्य है, आपने हम लोगों को जीवन दान दिया है। हे देवी, यदि आप में इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहाँ से शीघ्र चलिए, हम लोग जल में जाकर सुख पूर्वक निवास करेंगे। इस प्रकार दारुका माँ पार्वती के बल का आश्रय लेकर उनकी स्तुति कर अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवारों के साथ निर्भय होकर प्रसन्नता के साथ वहाँ रहने लगी। इस प्रकार वे विलासी राक्षस उस स्थान पर निर्भय होकर रहने लगे तथा और मुनि के शाप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते थे अपितु जल में ही भ्रमण करते रहे। नावों पर बैठे मनुष्यों को वे नगर में लाकर प्रताड़ित करते। इसी प्रकार वे राक्षस एक बार मनुष्यों से भरी हुई एक नाव उठा कर ले आए। उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। इन सभी पीड़ित लोगों में उनका स्वामी जो सुप्रिय नाम का वैश्य था, वह शिवजी का श्रेष्ठ भक्त, उत्तम आचरण वाला तथा शाश्वत शिव परायण था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रहता था। वह सर्वथा शिव धर्म का पालन करता। उसने कारागार में रहते हुए भी बहुत से लोगों को शिव मंत्र और पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब कारागार में रहने वाले अन्य लोग भी अपनी कामना को पूर्ण करने वाली भगवान शिव की पूजा विधि पूर्वक करने लगे। किसी समय उस दुष्टात्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने सुप्रिय के समक्ष स्थित हुए शिवजी का सुंदर रूप देखा
तब उसने जाकर राक्षस राज को यह सब बता दिया। तब राक्षस दारुक वहां आकर सुप्रिय का वध करने आगे बढ़ा। तब सुप्रिय भगवान शिव के नाम का स्मरण और संकीर्तन करने लगा। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर वहां शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने पाशुपत नामक अस्त्र से उन समस्त राक्षस गणों का सहार कर दिया और भगवान शिव ने उन सब राक्षसों को मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में केवल सत्पुरुषों का ही निवास होगा। यह सब देखकर भयभीत हुई उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। माता पार्वती जी के प्रसन्न होने पर उसने कहा, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी। यह कहकर माता पार्वती शिवजी के पास आई। तब शिवजी ने क्रुद्ध हुई पार्वती जी को देखकर प्रेमपूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। अपने पति शिवजी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती जी ने यह वचन कहा, हे प्रभु, आपका वचन इस युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे। हे नाथ, मैंने दारुका को वचन दिया है कि उसके प्राणों की रक्षा होगी। पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरा वचन भी सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में निवास करूंगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह यहाँ का चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सत्युग के प्रारंभ होने पर वीरसेन नामक प्रसिद्ध राजा होगा। वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अतीव पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले शिव और पार्वती स्वयं वहीं स्थित हो गए। वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप शिवजी नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। शिवपुराण के अनुसार निषद नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के यहाँ वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थिवेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष अत्यंत कठिन तप किया। तब प्रसन्न हुए देवाधिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काट की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर और उसे योगमाया से संपन्न बनाकर तुम्हें दे रहा हूँ। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर अर्थात गुफा में प्रवेश करके चले जाओ। तदंतर वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस कंदरा में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर इन दारुका आदि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी न होगी। उस समय तक देवी पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहां जो अन्य म्लेच्छ रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। भगवान शिव ने वीरसेन से इतना कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंगरूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामना को सदा पूर्ण करने वाले हैं। तो यह थी श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा। हमें आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। वयम के अगले वीडियो में हम आपको 11वें ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम की जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों एवं संस्कारों के विषय में और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए वयम से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय नागेश्वर।